किताब पर मान लिया कि आपको कोई दुनिया में सारी किताबें नष्ट हो रही हो, सपोज करें, और कोई एक किताब बचाने का आपको कहा जाए कि सिर्फ एक किताब आप बचा लीजिए, मतलब ईश्वर आपको मौका देगी सिर्फ एक किताब बचाई जा सकती है, आप बताइए कौन सी बचाएंगे, तो आप क्या चूज करेंगे? मैं दो तीन का मौका दे दो एक मैं वन ऑफ द टू रामायण तो बचा लूंगा क्योंकि कहानी बहुत खूबसूरत है. दूसरी मैं एक है, एक अंग्रेजी किताब है मुझे बड़ी अच्छी लगती है, हिच हाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी, बहुत खूबसूरत किताब है, थोड़ी बहुत फनी किताब है, वो मैं बचा लूँगा. और तीसरी अगर मेरी वाली जो अगर पूरी हो जाए तो उसको बचा लूँगा. अच्छा वो जो किताब जो पूरी होगी उसका फॉरवर्ड कौन लिखेगा? हाँ मैंने सोचा ही नहीं है, तो अभी तो मैंने ही लिखा हुआ है. अभी उसका मैंने सोचा नहीं, वो खत्म ही नहीं हो रही यार, वो इतना कब तक पूरी हो सकती है? मेरे को पता है मैं बहुत अजीब ऐसे शो रिलीज डेट फिक्स कर दिया नहीं मैंने की, मैं 6 बार कर चुका हूँ. 20 साल हो गए लिखते, अभी कितने हो गए, 26 साल हो गए ना डुप्लीकेट के आसपास शुरू की थी आपने. हाँ तो मतलब 16 साल से लिख रहा हूँ मैं वो किताब, एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है. मेरे को भट्ट साहब ने कहा था लिखो, और मेरा पता क्या है कि मैं जब मैंने पहले ख़त्म कर ली थी किताब, जब मेरे पहले बेटे का जन्म हुआ था, तो ब्रीच कैंडी में बारिश हो रही थी मुझे याद है, और मैं वहीं बैठा हुआ था बाहर, तब इतना अलाउड नहीं था अंदर जाना ICU वगैरह में, तो मैं बाहर बैठ के वो किताब ख़त्म कर ली कि यार ये किताब ख़त्म हो गई, मेरा बेटा पैदा हो गया. क्योंकि जर्नी थी और फ़नी किताब है और ज़िंदगी की बातें, ऐसी बायोपिक नहीं है, ऐसी बायोग्राफी नहीं है, लेकिन ऐसे सिलसिला जो चलता है. हाँ मतलब सिलेक्टिव मेमोरीज है, तो ऐसा मैं लिखा और मैं चलो ख़त्म हो गई. फिर ऐसे ही अभी मैं उसको फाइनलाइज कर रहा था, 1.5 साल 2 साल बाद बेटी हो गई, फिर मुझे लगा यार ऐसा थोड़ा ना होगा कि बेटी ना हो किताब में. हाँ ये तो एक अलग फीलिंग आई, वो फीलिंग एकदम अलग है. हाँ पिक्चर तो मैंने वो कर दिया. फिर ज़िंदगी इतनी क्या बोलूँ मैं उसको, ज़िंदगी इतनी फुल ऑफ थिंग्स है, ऐसी नई नई चीज़ें होती हैं माशाल्लाह, तो मेरे को ऐसा लगता है यार ये भी डाल ही देता हूँ थोड़ा सा. फिर उसमें सिर्फ यही नहीं है जो अच्छी बातें हैं, उसमें वो भी हैं दिन जब मैं दुखी था या अच्छा नहीं था, जो मैंने कभी किसी को बोला नहीं. तो कभी कभार मैं दुखी होता हूँ तो लिख देता हूँ, बड़ा सैड वाला चैप्टर लिख लिया, तो मैं यार ये भी बोलना तो चाहिए, क्योंकि मेरी किताब का एक रीज़न है. मेरे को सिर्फ ऐसा नहीं कि नाम आ जाए या शाहरुख खान ने किताब लिखी, मुझे ऐसा लगता है मुझे ना, मैं मेरे बच्चों की आँख में मेरी जो अपनी छवि है शाहरुख खान स्टार की, वो इतनी बड़ी रहती है, हम कितनी भी कोशिश कर लें कि लोग ऐसा किए तो स्टार है ऐसा है, तो उनके भी दिमाग पर असर पड़ता होगा कि एक नॉर्मल बाप की जो बातें मैंने इतनी की नहीं उनसे, तो अपने बचपन की, क्योंकि जब तक वो पैदा हुए ना मेरे माँ, वो दिल्ली बेचारे उन्होंने देखा ही नहीं मैंने क्या किया है, तो मैं उसको लिख के जाना चाहता हूँ, ये डायरी है कि वो पढ़ें तो अरे यार ये तो ठीक किया था, अच्छा हमारा बाप इस वक्त दुखी था, अरे इसके बावजूद भी उसने ऐसा किया, तो मेरे को ना वो मेमोरीज उनके लिए लिखनी है.